ये कौन सा हिजामा हो रहा है? ये आ गई ड्रिल मशीन। अभी ड्रिल मशीन से जो है ना मिशकात का हिजामा से होगा। ये बहुत समझ रहा था, होशियार बन रहा था बहुत ना, कि जो है हिजामा जो है ना आसानी से होगा। आसानी से नहीं होगा, ये होगा ड्रिल से। सेल में चलेगी अभी ड्रिल। बेटा तुम बहुत होशियार बन रहे हो। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग? भाई आज एक बार फिर हम हिजामा करने आए। कुछ लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि भाई आपका चैनल हिजामा चैनल है क्या? नहीं भाई, लेकिन हिजामा करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम लोग बिल्कुल डिफरेंट हिजामा करेंगे। और मैंने एक बार फेस का हिजामा कराया था एक्नीस वगैरह के लिए, मेरे भाई साथ हैं। तो आज हम कहाँ का हिजामा करने वाले हैं? कोई जगह रह गई तो बता दें। और हेड पे होगा, सर पे हिजामा होगा। अच्छा भाई, इससे पहले ना मैंने कमर का हिजामा भी किया है और फेस का हिजामा भी किया है, और दो या तीन बार हिजामा किया, एक बार फायर का पिंग किया। लेकिन आज जो है ना हम सर का हिजामा करने वाले हैं। और सर का हिजामा का ये प्रोसेस होता है कि एक सक्शन मशीन होती है इनके पास, उसके थ्रू यहाँ पर लगाते हैं। गंजा होने की जरूरत नहीं, वरना अक्सर लोग जो है ना गंजा करते हो। कोई जगह रह गई है तो वहाँ का भी करा लो। कुछ और बचा है क्या यार? देखते ना, इसके बाद देखते हैं टांगों वगैरह का। टांगों वगैरह का, हाँ 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 हाँ, इसके बाद देखते हैं। जहाँ जहाँ का हिजामा पॉसिबल होगा करेंगे। आपको कराने का हिजामा? मेरे को तो आप नाक का करा दो, नाक से ना आपका दिमाग दिखता है। नाक का कराओ, नाक के नथने कम करने ना। बहुत बड़ी नाक है आपकी, बहुत बड़ी। ऐसा लगता है कि बैरिया टाउन के 240 इसका प्लॉट है। 240 नहीं, 600 गज का। ये यहाँ से मैं लेता हूँ ना, ये अंदर से दिमाग दिख रहा होता है इनका पूरा। अभी तारिक मसूद साहब के पास ही जुम्मा पढ़ के आ रहे हैं भाई, है ना? अभी तो मुफ्ती तारिक मसूद और इंजीनियर की लड़ाई होने वाली है। लड़ाई होने वाली? आप किसके साथ हो? मैं हूँ जो जीतेगा उसके साथ में हूँ। जो जीतेगा उसके साथ हो गए। वाह भाई, ये सही बात है। अभी फटे हो रहे हैं। वैसे यार आप लोग भी कमेंट में बताएं, जो आजकल मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर अली मिर्जा के जो आजकल चल रहे हैं, आप लोग किसके साथ हैं? आप लोग किसको सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं? आप लोग कमेंट में बताएं। वो कमेंट आएंगे, हम चार शादियों के साथ। इंजीनियर अली मिर्जा तो बोलता है एक शादी करनी चाहिए। वो बोलता है एक शादी, उसका इख्तलाफ बहुत करता है वो हर मामला में ना। वो औरत है किसी हाल में भी खुश नहीं है। 10 बच्चे होने के बाद भी बोलेगी शौहर का सच्चा प्यार नहीं मिला। अब खुदा के बंदे, ये 10 बच्चे कैसे हो गए? माशाल्लाह से बाबर भाई को गौर से देखो, वो औरत लग रही है जो मोहल्ले में तलाके करवाती है। ये क्या बात, निकाल दो चैनल से इसको। बाबर भाई ना अभी खाना खिलाने वाले थे हमें। अच्छा, अभी आप कैंसिल हो गए यार? ये मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, ये मैंने किसी और को बोले थे। हर किसी के घर में खर्चा होता है सौदे का, इनके घर इजाफी 2-3 हज़ार का खर्चा होता है। क्यों? भंगी आता है, गटर लाइन जाम जाती है, वो खोलता है। सोनू भाई ऑन फायर। एक और जोर से तू। वो भाई भी सोच रहे कौन जंगली आगे। लाइव प्रीव्यू आ रहा है हिजामे इनके पास। आपके पास ये टेक्नोलॉजी भी है ना भाई, एक ऐप के थ्रू ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका हिजामा चल रहा है। यार वैसे भाई आपस की बात है, आज ना मुझे काफी डर लग रहा है, क्योंकि आज जो है ना सर का हिजामा ना काफी फेस का भी है ना आपके। फेस का तो मैंने कराया हुआ है ना। अच्छा, फेस का वही उसी से करते हैं जो पिन मारते हैं या कट से लगाते हैं? ब्लेड कट से करते हैं। अच्छा, पहले उन्होंने मेरे पिन से किया था, वो जो पेन होता है ना उससे किया था। और सर का कैसे करते हैं? सर का सेम होता है। सोनू भाई यार वैसे मुझे डर लग रहा है, पता है किस चीज का डर? अबे यार सर पे हिजामा कितने कप लगेंगे भाई? सर पे तो एक और कप, एक ही लगेगा। एक कप लगेगा शुक्र, लेकिन डर लग रहा है यार भाई। सुनो भाई क्या करूं? लगता है भाई, भाई निकलवा लो। अब हर जगह के पंगे तो ले लिया, अब जो जिस्म की चीजें रह गई उनको निकलवा लो, लेकिन कब लॉन्ग मत बना। मैंने वैसे आज तक टांगों का हिजामा नहीं कराया, फहद ने कराया था एक बार। थाइस का हिजामा भी होता है, उससे भी काफी ज्यादा फायदा होता है। आप करवाओगे? आप पता है अपने दिमाग का हिजामा करवाओ और अपनी जबान का हिजामा कराओ। जबान ना आपकी बहुत लंबी है, जरा जबान का हिजामा होता है कि बंदे की जबान थोड़ी बंद हो जाए। नाक का कर दो यार, मेरी नाक का कर दो। ये जबान काली किसी की, नाक का कर दो। नाक का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, है ना? ये नाक की जो है ना, ये 800 गज का प्लॉट है, आपको 500 गज का कर देना। नहीं देखो, प्लॉट का मसला नहीं है, नाक का प्लॉट तो बड़ा है। जो दरवाजे है ना बहुत बड़े हैं, दरवाजे आपके काफी ज्यादा बड़े हैं। इनको ही तो हिजामा कराना। दरवाजे थोड़े छोटे हो जाए ना तो फिर मसला नहीं है। इतने बड़े दरवाजे हैं कि पूरा घर दिख रहा है अंदर से ना। ये तो मसला, ये मसला है असल। चोट सही हुई आपकी? बच्चों ने मारा था आपको? मारा तो बहुत गंदा था, सही चोट। तो भाई फाइनली बाबर भाई का हिजामा हो गया है। बाबर भाई नहीं नहीं इतना ही लूंगा, नीचे तक ले रहा हूँ आपको। अच्छा ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? तकलीफ वकलीफ तो नहीं हुई काफी ज्यादा? क्या बेगम ने ज्यादा मारा आपको? बहुत ज्यादा पिटने घर पे? पेटे वेटे कहीं नहीं है। अच्छा, मुंह पे भी निशान है आपके? चमाट के निशान है, 5 उंगलियों के निशान है मुंह पे आपके। जिस्म से ना गंदा खून अभी सारा निकल गया, अभी भी काफी बाकी है, क्योंकि जिस्म आपका बड़ा है तो निकलने में टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जिस्म से आपका काफी हद तक गंदा खून निकल चुका है। आपका भी गंदा खून निकल चुका है, हमारा भी निकलते हैं। आपके सर में जो खून है ना, जो आप सोचते हैं सारी गंदी चीजें, वो सब निकलेंगी अभी आपके साथ। सुनो भाई आप तो फिर फौरन करवाओ, आपकी तो बहुत गंदगी भरी हुई है ना। ये पाकिस्तानी हल्क है ना, अंडरटेकर। तो भाई बाबर भाई का हिजामा हो चुका है, अब है मेरी बारी। बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सर का हिजामा करा रहा हूँ। फेस का भी कराने में डर तो लगता है। चूरन चटनी खाते हैं, गाड़ ले गाड़ ले गाड़ ले गाड़ ले गाड़ ले। मुझे भी दो। हाँ मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा। अबे हाथ फंस गया, अबे हाथ निकाल, फंस गया। निकाल, अबे निकाल, निकल गया।
मंचूरियन चटनी गाड़ो 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 गाड़ो। ओए बाबर भाई देख रहे हैं, छुपाओ 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 छुपाओ, बाबर भाई ने देख लिया। अबे यार यार मैं एक ही मिली है यार, बाबर भाई एक ही मिली थी मुझे यार। अबे सोनू भाई एक दे दो यार, सोनू भाई दे दे यार। और सब पता गाड़ी है इनकी, मौलवी साहब की गाड़ी है, हमने पता है। हाँ ना, चूरन चटनी, मौलवी साहब की चूरन चटनी गाड़ी, मौलवी साहब चूरन चटनी बेचते भी है, खाते भी हैं। तुम अच्छा ये माइक है, मैं समझा चूरन चटनी गिरी है। खैर मुझे एक तो मिल गई है, एक चूरन चटनी मिल गई। सोनू भाई खोल के दो, जल्दी खोल के दो। सोनू भाई ने खोल के दे दी है। सोनू भाई ये खट्टी होती है ना, खट्टी चीजें खाने का दिल जा रहा है। अबे यहाँ कुछ होता है खाने के बाद, यहाँ यहाँ होता है ना, आप लोगों को भी होता होगा। आपके अंदर ना एक बहुत एक्टर छुपा हुआ है, पता नहीं कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा, मतलब है कहाँ, लेकिन है। इंशाल्लाह कुछ महीने बाद वो एक्टर निकलेगा आपके अंदर से, काफी बड़ा एक्टर है आपके अंदर ना। साथ खड़े हो आप लोग, अबे क्या लगते हो यार आप लोग, पता नहीं क्या नहीं। और झुक जाओ, और झुक जाओ। ऐसा लगता है चूटी का बच्चा, जिन का बच्चा। झूठ तो नहीं बोला, एक्टिंग आपने बहुत आला की थी। मैं मतलब सोच रहा था ये बाबर भाई है, मतलब मैं सोच रहा था बाबर भाई हैं, बाबर भाई तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे। चले भाई हमारी बारी है, भाई हमारी बारी आ चुकी है। पिलाओ पिलाओ, जल्दी पिलाओ लाओ, जब तक हमारा हिजाम हो जाएगा। आपके नाम ने ये गाड़ी है, गाड़ी मसला तो नहीं है ना, कोई कस्टमर आए तो खाना चाहे तो खा ले। अच्छा मतली होती है हजामा के बाद, वैसे मुझे आज तक हजामा के बाद मतली वगैरह नहीं हुई। हाँ सही है, तो यहाँ पर लेटना है इस जगह पर। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, फुल सफाई सुथराई का इंतजाम है, बहुत जबरदस्त इंतजाम है यहाँ पर। आपका चैनल कौन सा है? एहसन सलीम मुगल, ऐसा लग रहा है किसी मुगल बादशाह का नाम है। फर्स्ट पे लिखेंगे यूट्यूब पे, फर्स्ट पे मेरा चैनल आएगा, फर्स्ट पे आएगा आपका एहसन सलीम मुगल, इनका चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो भाई अब होने वाला है हमारे सर का हिजामा, सर का हिजामा। सर मेरा नाम सर है, सर मिश्कात, ठीक है ना। सुनो भाई ये कैमरा पकड़ लो, बड़ा डर लग रहा है हमें। लेटेंगे आप? क्या लेटना है, बैठना है, क्या करना है? आंखें बंद कर ले, नीचे हो जाए, नीचे हो जाए, और नीचे हो जाए, बस बिल्कुल घबराना नहीं है आपने। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबर भाई, बाबर भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ जी, आके सर का हजामा करते हैं इनका। मैंने करना है हजामा इनका। अच्छा बात सुने, सर का हजामा करना है, जुई नहीं निकालनी, जो आप ऐसे ऐसे करके बाल मेरे करना। जगह बना रहे हैं, पॉइंट होता है यहाँ से ना। ये कौन सा हजामा हो रहा है, वो थोड़ी निकालेगा वहाँ से। अबे भाई अबे भाई, ये कौन सा हजामा हो रहा है? ये आ गई ड्रिल मशीन, अब ये ड्रिल मशीन से जो है ना मिश्कात के हजामा से होगा। ये बहुत समझ रहा था, होशियार बन रहा था बहुत ना, कि जो है हजामा जो है ना आसानी से होगा, आसानी से नहीं होगा, ये होगा ड्रिल से। सेल में चली गई ड्रिल, तुम बहुत होशियार बन रहे हो। तो भाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है हिजामा का, और ये कंघे क्यों कर रहे हैं, ये क्या लगा रहे हैं? अच्छा सर पे शहद, वाह भाई क्या बात है, क्या बात है। तेरे सर पे मक्खियाँ आके ना बैठते हैं शहद की वजह से। तो भाई ये खास टेक्निक है कि बगैर गंजा किए ना ये सर का हिजामा करते हैं, और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क्या है, कब लग रहे हैं? सुनो भाई दिमाग के अंदर घुस रहे तो अरे अबे खींच रहा है मेरा सर जो है ना, अभी ऐसे करके कोई खींच रहा है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसा ऐसा मेरी स्किन सर की खिंचती जा रही है, आप लोगों को शायद नजर ना आ रहा हो। भाई ये फेस का हिजामा भी साथ, माशाल्लाह मुंह पे शहद लग रहा है भाई। भाई अब देखें ये फेस पे कब लग रहा है, फुल टाइट वाला खींच रहा है, गालों को पकड़ के निचोड़ दिया। लड़कियां होती ना बोलती ईयू, ये देखिये मिश्कात का असल चेहरा ये है। देखिए भाई आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पे और सर पे कब्स लगा चुके हैं, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मुझे खींच रहा है, बुरी तरीके से खींच रहा है। अच्छा ये लगाकर बात कर सकते हैं? हाँ नहीं, पहले उन्होंने भाई ने मना किया था एक दफा ना, कि बात बात नहीं करो, बिल्कुल चुप रहो, खामोश रहो। कब निकल जाता है? अभी तो नहीं निकल रहा, वैसे कब की सेक्शन अच्छी हो रही है। कब ने सही से मुझे पकड़ा था गालों से, मैंने भी उसको अपनी जिंदगी से ऐसी खींच के बाहर निकाला था। टूटा हुआ साज हूँ मैं, भाई ये क्या निकाल लो, ब्लेड ब्लेड। अबे हंसा भी नहीं जा रहा अभी मुझसे, ये देखो। आपके ये दुबला होने का राज क्या है, इतने आप दुबले हैं, इसका क्या राज है? दुबला होने का राज पता क्या है? एक्सरसाइज करते हैं आप? एक्सरसाइज करते हैं और डाइट भी करते हैं। ये आपके दानों का राज क्या है? दानों का राज है गर्मी, जिस्म की गर्मी। मजा आ रहा है? फर्स्ट टाइम करा रहे हो जामा? फर्स्ट टाइम मैंने फेस, चेहरे का मैंने फेस का पहले कराया था, लेकिन फेस में इतना खिंचाव नहीं था पहले ना। इन्होंने तो मौली साहब ने पकड़ के खींच दिया है, और सर पे भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, करीब से दिखाओ जरा। ये देखो सर का दिखाओ, हिसाब किताब दिखा। दिमाग तो बाहर नहीं आ रहा, पता चला मक्स पूरा बाहर आ गया मेरा, फिर कंटेंट दिमाग में नहीं आएंगे। ये देखें, अबे क्यों तड़पा रहे हो मुझे, बीमारों को खाना नहीं खिलाते?
अभी मुझसे चबाया नहीं जा रहा बिल्कुल। आपके जज्बातों के साथ खेलने कैसा आया? ये मुझे दिखा दिखा के तड़पा रहे हैं यार। मौलवी साहब आपने बहुत जोर से खींचा यार। अभी जो है ना ये भाई सर पे कट लगाने वाले हैं मेरे। वैसे इतना फील नहीं हो रहा, पता है इतना फील नहीं हो रहा मुझे। दिखने में सिर्फ लगता है कि दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक कोई चीज हो रही है, ब्लेड से काट रहे हैं सर को। अच्छा सर के हिजामा करने से क्या फायदा होता है? हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा। हेयर फॉल के लिए? अच्छा भाई कब निकलेगा? बहुत दर्द हो रहा है। इधर हमारा हिजामा हो रहा है और यहाँ पर पहाड़ी चल रही है। इनके अंदर का कीड़ा भी निकल जाएगा हिजामा से है? ये कीड़ा है। ये कौन सा कीड़ा है? ये है डांसिंग कीड़ा। नागन का कीड़ा? नागन ये क्या हो रहा है? सुनो भाई ये वाला कीड़ा निकल जाएगा हिजामा से? कहाँ कप लगेंगे इसके? लाइलाज कीड़ा ये वाला। ये निशान रहते हैं तकरीबन, काफी लोग पूछते हैं निशान कितने दिन रहते हैं, तो निशान ना एक या दो दिन रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते। जैसे किसी की स्किन मोटी है, जैसे बाबर भाई की बहुत मोटी स्किन है, इतनी मोटी ना उनकी चर्बियां भरी हुई अंदर, तो उनको तकरीबन एक हफ्ता लगता है। हम जैसे पत्ते लोगों को, स्लिम लोगों को एक या दो दिन बस। बिरयानी कैंसिल कर दें। ओए बिरयानी कैंसिल नहीं करो ओए सर। भाई बाबर भाई ना बहुत अच्छे बंदे हैं और बहुत स्लिम बंदे हैं माशाल्लाह। इसको कहते हैं फिटनेस, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो बेकार लोग हैं। तो भाई फाइनली हिजामा हो गया, फेस का हिजामा भी हो गया, सर का भी हो गया। अच्छा कराने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन कराने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आफियत से हो गया और अभी काफ़ी ना सर हल्का हल्का फील हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ फोड़ा बना हुआ है मेरा, अभी ना आलू बन गया थोड़ा सा, तो अभी कह रहे हैं कि एक दो दिन में सेट हो जाएगा, ये निशान भी चले जाएंगे। इन्होंने अभी शहद लगाया, कह रहे हैं शहद से जल्दी निशान चले जाते हैं। तो भाई बड़ा ही मज़ा आया, आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा आप लोग भी लाजमी हिजामा कराएं, सुन्नत अमल है और काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं इसके। आपका जो गंदा ब्लड होता है ना वो निकल जाता है। बाबर भाई ने भी हिजामा कराया, कैसा फील कर रहे हैं आप? मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रही है, रिलैक्स फील हो रहा है ना। अच्छा जो बंदा एक दफा हिजामा करा लेता है ना फिर वो बार बार कराता है, वो बोलता है उसको इतना मजा आता है ना। देखो वहाँ भी मजा आ रहा है बंदे को, ओए होए आवाजें आ रही है फुल टाइट वाली। अच्छा ये भाई भी ना अभी ये भाई भी सर का हिजामा करा रहे हैं और ये ट्रिंड करा के हैं स्पेशली, हेयर फॉल का मसला है। तो भाई जो भी नवाज शरीफ स्टाइल के गंजे होते हैं ना, गंजे बंजे हो जाते हैं, तो वो लोग सर का हिजामा करा सकते हैं, उससे बाल वापस आ जाते हैं काफ़ी हद तक। तो भाई अगर आप लोग कराना चाहें तो ये भाई हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो यहाँ पर आए लाजमी हिजामा कराएं। भाई आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, शुतुरमुर्ग का भी देखा होगा, कबूतरों का भी देखा होगा, लेकिन इंसान का अंडा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इंसान का अंडा है पूरा। मिलकर दुआ करो, मिलकर दुआ करें। अल्लाह इनके बाल वापस लिया, इनके बाल लिया अल्लाह। बाबर भाई की जो तोंद है थोड़ी कम कर दे या अल्लाह। बाबर भाई के जो पोशीदा अमराज है इनको सही कर दे, आमीन। भाई जब हम हिजामा कर रहे थे ना तो बाबर भाई वगैरह ने सारे पुलाव फोड़ दिए थे। बाबर भाई हमारे पुलाव कहाँ हैं? कहाँ हैं? क्या खा गए? यहाँ तो नहीं है सारा, यहाँ तो नहीं है सब, मैं खा चुका हूँ। कहाँ 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 है? अरे अरे यूरो यूरो पुलाव। अबे ये तो खाली है, अबे तो सब खाली है, सारा खा गए। कैसा आपके साथ हमने मजाक किया फिर? अब आपका कैमरा किसने खाया? सारा खाया किसने? सोनू भाई ने। सोनू भाई आपने खाया सारा? सुनो भाई यार मेरा तो यार है, ओए बच्चा हुआ है, दो दो, ओए होए 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 दो दो। भाई इनका चैनल सब्सक्राइब कर दो, ईट एंड डिस्कवर लाजमी सब्सक्राइब कर दो, और ना मुझे और ज्यादा पुलाव खिलाएंगे अभी, सही है ना? ओके यार, फ्रेश जूस, फ्रेश जूस भी पिलाएंगे। बेल आइकन प्रेस कर दो और खीर खीर कमेंट भी कर दो और शेयर भी कर दो, शेयर और लाइक Like, लबेशीरी लबेशीरी। एक काम करो इनका चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो, अपना घर मेरे नाम कर दें, निकल जाओ तुम। भाई अभी ना हम खाना खाते हैं क्योंकि इन्होंने हमें बड़ा तड़पाया है। हम हिजामा कर रहे थे और ये लोग बैठ के फोड़म पार्टी कर रहे थे। सुनो भाई आओ खाओ बैठ, अबे आ जाओ मेरे साथ खा लो, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले खाते हुए, पता है मैं कभी भी जिंदगी में ना अकेले खाना नहीं खा पाता, मेरा एक बड़ा मसला है। ओए होए 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 फुल खतरनाक वाले पुलाव है भाई, बिस्मिल्लाह। बड़ा मजे का यार, मजेदार है यार। तो भाई खाना छाना खा लिया है और अब हम आए गन्ने का रस पीने। ओए ओए ओए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच। बाबर भाई पाँच है, पाँच लगा दे, पाँच बड़े टाइट वाले। ओए 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 ओए, ये लो बाबर भाई, ये लीजिए भाई, ये लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय 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 यार, ये जो गन्ने का जूस का टेस्ट होता है ना, ऐसा टेस्ट आपको मिल ही नहीं सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। भाई काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि जो हिजामा के निशान आ जाते हैं ये कब तक जाते हैं, तो भाई ये हर बंदे के अलग हिसाब से होता है, हर बंदे के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मेरे निशान है वो एक या दो दिन में चले जाते हैं, कुछ लोगों के एक हफ्ते में जाते हैं, कुछ लोग एक महीने में जाते हैं, तो निशान चले जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि निशान रह जाते हैं, क्योंकि ब्लेड के निशान होते हैं थोड़े दिनों में जाते हैं। तो उम्मीद है गाइस आपको मजा आएगा आज के व्लॉग में भी, मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और कॉन्टेंट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मिशकात खान को, अल्लाह हाफिज़।